ये बड़ी और अहम जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है, जहां ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। ये बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की यूपी के वाराणसी से सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ज्ञानवापी केस के मूल वाद में आज फैसला आ सकता है। मामले में दोपहर 12 बजे के बाद आज फैसला आ सकता है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। ज्ञानवापी केस के मूल वाद में आज फैसला आ सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करेंगे। ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं, पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। अब एक पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग का दावा किया था, तो वहीं पक्षियों से खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की भी मांग की गई थी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का बता रहे हैं। सील बाजूखाने एरिया को लेकर भी आज फैसला आ सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है वाराणसी से, जहां आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष ने एएसआई सर्वे कराने का विरोध किया था और इसी को लेकर आज ये बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। 1991 में सोमनाथ व्यास ने वाद दाखिल किया था और हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर निस्तारण का भी आदेश दिया था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर दोपहर 12 बजे के बाद आज फैसला आ सकता है। ये बड़ा अपडेट आपको वाराणसी से बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम है। ज्ञानवापी केस के मूल वाद में आज फैसला सुनाया जा सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करेंगे और पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद आज बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि एक पक्ष की ओर से सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग का दावा किया गया था और इसी को लेकर खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की भी मांग की गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं सील बाजूखाने एरिया को लेकर भी आज फैसला सुनाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे कराने का विरोध किया गया था। 1991 में सोमनाथ व्यास ने इसको लेकर वाद दाखिल किया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर निस्तारण का आदेश दिया था और आज इस मामले में दोपहर 12 बजे के बाद फैसला आ सकता है।